बलोचिस्तान के शहर सोहबतपुर से हमारे गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा मुमताज सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फिशरीज सोहबतपुर की नाजायजियों के खिलाफ ठेकेदार सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ सेम शाखों की मछली के सालाना ठेके न होने के बावजूद मुख्तलिफ कैनाल्स में मछली के गैर कानूनी जाल लगाए गए हैं। इस हवाले से ठेकेदारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। अस्सलामुअलैकुम, महकमा फिशरीज सोहबतपुर के अफसरान हमारे साथ नाजायजी कर रहे हैं। बड़ी सिम शाख, मोइंटी शाख और उच्च शाख का सालाना ठीका होता है जो कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन महकमा फिशरीज के अफसरान की मिली भगत से मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी जाल लगे हुए हैं हमने ठीके के लिए लाखों रुपए जमा करवाए हुए हैं, लेकिन हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप जाल नहीं लगा सकते, लेकिन बासर अफराद रोज़ाना लाखों रुपए की मछलियां पकड़ रहे हैं जिससे तमाम तर फ़ायदा ठेकेदार और फिशरीज़ के ऑफिसर उठा रहे हैं। हम डिप्टी डायरेक्टर सोबतपुर, डायरेक्टर फिशरीज़, सेक्रेटरी फिशरीज़ से मुतालबा करते हैं कि हमें तमाम सिम शाखों के ठेके का प्रोसेस मुकम्मल करके कानून तरीक़ा से तमाम ठेकेदारों को मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।